हेलो बच्चों और मेरे प्यारे कंपटीटर्स, बहुत सारे कंपटीटर्स होंगे जो बिल्कुल एज ए टीचर भी होंगे, उनका मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस स्ट्रीम में लगे होंगे, सक्सेस के स्ट्रीम में। तो सभी कंपटीटर्स, जुझारू कंपटीटर्स का हम अभिनंदन कर रहे हैं इस अपने चैनल पर टारगेट विथ आलोक। तो बच्चों, फिजिक्स सीखने का एक बेहतरीन मौका विनय सर के साथ, बेहतरीन फिजिक्स। और आप मेरे कमेंट्स भी देख सकते हो, कितने सालों का एक्सपीरियंस सब उड़ेल देंगे बच्चों आपके ऊपर। और आपके लिए फिजिक्स एकदम इजीएस्ट शॉर्टेस्ट तरीका, ऐसे ही सवाल जैसे मैं क्या बोलूं, बस जैसे मच्छर मारने में कितना टाइम लगा, बस उतने टाइम में आप क्वेश्चन करोगे। और ये मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, हर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रोटेशनल मैकेनिक्स, इसका आपको एक डेमो वीडियो धड़ाधड़ सीखने को देंगे। यहां पर देखिए जरा, रोटेशनल मैकेनिक्स को बोलते हैं बच्चों घूर्णन यांत्रिकी। घूर्णन यांत्रिकी ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे, घूर्णन यांत्रिकी के बारे में। घूर्णन आप जानते हो, जैसे पंखे का मोशन, पंखा घूमता है अबाउट इन ऑन एक्सिस, तो एक्सिस के अबाउट कोई बॉडी घूमती है, गेट आप दरवाजा खोलते हो, इस तरह के मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो जरूरी बात है बच्चों, मैं चाहता हूं, मैंने सारे क्वेश्चन को एकदम बिल्यू डीपली देखा है, हर टॉपिक के क्वेश्चन को देखा है, कैसे कैसे उनके मोड होते हैं, कैसे कैसे टर्निंग होते हैं, वो भी मैंने देखा है। और रही दूसरी बात, कुछ बच्चे जो है ऐसा पूछ रहे हैं कि कौन सा बच्चा साइंस स्ट्रीम में दे सकता है, कौन सा बच्चा मैथमेटिक्स के स्ट्रीम में दे सकता है, बीएससी में उसके क्या सब्जेक्ट होने चाहिए टीजीटी के लिए, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन का एक वीडियो, आपको दो चार तीन चार मिनट का वीडियो इस चैनल पे सारी जानकारी लेकर के मिलने वाला है बच्चों, एकदम बेहतरीन जानकारी कि कौन से बच्चे क्या क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। और नहीं तो मैं ही वीडियो लेकर के आ जाऊंगा दो चार मिनट का, आपको इस नॉलेज वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, कौन सा बच्चा क्या दे सकता है, कौन सा बच्चा क्या नहीं दे सकता है, ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। अब बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें घूर्णन यांत्रिकी में आपने क्वेश्चन देखा होगा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग है इसका, मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ये सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमआई, ये शॉर्ट में एमआई बोला जाता है बच्चों। और यहां पर इसको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन यांत्रिकी, ओ सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जड़त्व आघूर्ण बोला जाता है बच्चों इसको, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जड़त्व आघूर्ण। जैसे सबसे पहले बच्चों देखो, मैं कैसा पॉइंट पॉइंट आपको सिखाता हूं। सबसे पहले कण का जड़त्व आघूर्ण, कण का जड़त्व आघूर्ण क्या है, किसी भी पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हो बच्चों? देखो, जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए सबसे पहले एक एक्सिस का हमें पता होना चाहिए, किस एक्सिस के अबाउट हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते हैं, एक्सिस पहले पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने जैसे ये पार्टिकल ले लिया और इसका मास m है, और इसकी जो यहां से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो कण का, बच्चों ध्यान से समझना है आपको, कण का अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू, जड़त्व आघूर्ण का जो बेसिक फॉर्मूला है वो एम आर स्क्वायर, ये मास्टर फॉर्मूला है ये, एम आर स्क्वायर। तो R क्या होना चाहिए बच्चों? R होना चाहिए एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको मिल गया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब इस पर देखो, पहला प्रॉब्लम देखते हैं, अब पार्टिकल्स का प्रॉब्लम देखना है बच्चों। सबसे पहले
फिर बॉडी का बताते हैं एकदम, देखो फटाफट आज मोमेंट ऑफ इनर्सिया का हर सवाल, और आपको मैंने देखा है चाहे आपका टीजीटी हो पीजीटी हो 100% क्वेश्चन इससे आए हुए हैं बच्चों। तो जैसे ये आपका हो गया सपोज दैट ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और अब मैं पूछ क्या रहा हूं, एक्सिस में यहां से बना दे रहा हूं, आप एक्सिस समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए दिस इज द रोटेशनल एक्सिस, ये आपका एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ये एक्सिस हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें लेना है, फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान से सुनोगे अच्छा लगेगा ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड आउट करना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे तीन पार्टिकल्स हैं बच्चों, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, ये तीन पार्टिकल हैं। इस एक्सिस के अबाउट आपको पूरे कणों का, पूरे कणों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये निकालना है बच्चा मेरे लल्ला, ये निकालना है। अब क्या करोगे सुनो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको भी मैंने फार्मूला बताया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या देखो, एक एक पार्टिकल को देखो, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है आपका ए पर है, ये बी पॉइंट पर है और ये सी पॉइंट पर है, तो ए वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई ए हो जाएगा, बी वाले का आई बी हो जाएगा, सी वाले का आई सी हो जाएगा। बच्चों अब आई ए मतलब ए वाले पार्टिकल को देखें ध्यान से, तो ए वाले पार्टिकल का जो एक्सिस है वो ए वाले पार्टिकल को टच कर रहा है, इसका मतलब उसके लिए आर की वैल्यू, मास तो यम रहेगा बच्चा, यम रहेगा, बट आर की वैल्यू जीरो रहेगी, प्लस यम इसके लिए भी मास यम रहेगा और आर की वैल्यू जीरो रहेगी ये। और सी वाले पार्टिकल का पर बात करते हैं, अब इस एक्सिस से यहां हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज द हाइट, इसकी जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू फिगर आईसी निकालेंगे तो लिखेंगे एम आर स्क्वायर, वेयर आर की वैल्यू आपको मिलने वाली है साइड रूट थ्री बाई टू, दिस इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है बच्चा, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है मेरे प्यारों, आप लोग तो समझ रहे हैं ए रूट थ्री बाई टू, तो यम आर की वैल्यू लिखने वाले हैं ए रूट थ्री बाई टू और इसका होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आप समझ ले, यम ए स्क्वायर थ्री बाई फोर, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंट इनर्सिया ऑफ द सिस्टम। बहुत जम गया क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, आपको आना भी चाहिए। अब एक दो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जैसे एक का क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखो उसी तरह एक क्वेश्चन और देख लें, जैसे ये तीन पार्टिकल हो गए, अब एक्सिस जो है ना, एक्सिस त्रिभुज के प्लेन के, इसका जो प्लेन है इसका ट्रायंगल का, त्रिभुज के तल के लंबवत, त्रिभुज के तल के लंबवत, एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तल के लंबवत है, ठीक है, तो त्रिभुज के तल के लंबवत एक्सिस है और तीनों जो मासेस हैं बच्चों वो एम एम है, एक्सिस कहां से लेंगे, एक्सिस ये है देखो इस तरह से, एक्सिस त्रिभुज के तल के लंबवत है, एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, तो पूरे निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, पूरे निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये हमको बताना है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द होल सिस्टम।
अबाउट द एक्सिस। तो बच्चों फिर से वही करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन यहां पे देखते हैं अच्छे से। बढ़िया सवाल आपके सामने बनाया जाता है, आपको समझाया जाता है। बच्चा देखिए जरा, सबसे पहले ये ले लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या लिखेंगे, आई ए, आई बी और आई सी। अब क्या करोगे, देखो यहां से यहां आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस सबसे पहले डिस्टेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल का एम तो हमें पता ही है, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ए वाले का डिस्टेंस लिखोगे, ए वाले पार्टिकल को देखोगे, आर की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी, क्योंकि ए वाले पार्टिकल को एक्सिस टच कर रहा है। बी वाले पार्टिकल के लिए देखो जरा, बी वाले पार्टिकल का डिस्टेंस यहां से देखो, इसका जो साइड लेंथ है ना वो ए है, साइड का जो लेंथ है वो ए है, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा बी वाले पार्टिकल को ए हाफ मिलेगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या मिलेगा, इस वाले के लिए पूरा, सी वाले पार्टिकल के लिए डिस्टेंस देखो, सी वाले पार्टिकल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना होता है, तो ए एम ए स्क्वायर, तो ये बच्चा जीरो मिल जाएगा टोटल, और ये मिलेगा एम ए स्क्वायर बाय फोर प्लस एम ए स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा यहां से, फाइव एम ए स्क्वायर बाय फोर, क्लियर। ये अब आपको नेक्स्ट हम बता दें, जैसे तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमने लिया, अब हम लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया मतलब जड़त्व आघूर्ण ऑफ बॉडी, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे लिखोगे, बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ बॉडी, वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्सिया बॉडी, समझते। चलो बच्चों फटाफट, सबसे कम टाइम में सबसे तेज स्पीड आपको मिलेगी। मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द बॉडी, वस्तु का जड़त्व आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, दिस इज द बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स एनी एक्सिस, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका मास m है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसका होगा m r, या यहां लिखेंगे m k स्क्वायर, ठीक है। m इज द मास ऑफ होल बॉडी, ये पूरे बॉडी का मास है, मास मतलब द्रव्यमान होता है, मास ऑफ बॉडी, ये पूरे बॉडी का मास ले लिया हमने। और k को यहां पर बोलते हैं बच्चों, ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या, यह है रेडियस ऑफ जायरेशन। यहां से देखो के की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, रूट ओवर, रूट ओवर आई बाई एम, इससे रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं। ये किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और रेडियस ऑफ जायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको माइंड में रखना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, तो द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्सिया टू द मास, और उसका रूट निकालते हैं, इससे रेडियस ऑफ जायरेशन निकलता है। तो ये दो फार्मूला आपको बच्चों मिला, एकदम पक्का करो। यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला मिला, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसी पार्टिकल के सिस्टम का, पार्टिकल का कैसे निकालते हैं ये आप पक्का कर लो, और दूसरा किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते कैसे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, यहां पर देखो कुछ ज्यामितीय, कुछ ज्यामितीय वस्तुओं के मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है, ज्योमेट्रिकल बॉडीज,
ध्यान से समझना है बच्चों, एमआई ऑफ जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, बॉडीज भी बोल सकते हैं। एमआई ऑफ जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, देखो जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में बेसिकली आपको पढ़ना क्या क्या है इतना हमको समझ लीजिए। यहां पर सबसे पहले जैसे हमने रॉड ले लिया, ये है रॉड, खूब समझ लो बच्चा, रॉड का मास है यम, और खूब अच्छे से समझना है, यहाँ पे झक नहीं मारना। मास यम ले लिया और ये बीच में इसका होता है सेंटर ऑफ मास, आपको सभी को पता होगा सेंटर ऑफ मास कहां पर है, रॉड का बीच में होता है। यहां से एक पेरपेंडिकुलर एक्सिस जानी चाहिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है, और यहां पे हमने इसका लेंथ ले लिया रॉड का एल। तो कुछ ज्यामिति वस्तुओं के मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो निकालना है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाए, एक्सिस जो है बच्चों ध्यान से समझना है, एक्सिस जो है ना कहां से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से जाए, और परपेंडिकुलर हो, बॉडी पर परपेंडिकुलर पड़े, बॉडी पर देखो जैसे ये रॉड पे परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए एम एल स्क्वायर बाई 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम एल स्क्वायर बाई 12, समझ गए बच्चों? ठीक, उसके बाद दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया जितना आपको समझना है उतना ही बताएंगे, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे अगर क्यूबिकल शेप आ जाता है बच्चों, क्यूबिकल शेप अगर हम ले ले तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। क्यूबिकल शेप में मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे बताएंगे, इसमें ये साइड लेंथ हमने ए ले लिया है, एक्सिस यहां से जा रहा है इस तरह से परपेंडिकुलर, बॉडी का मास हमने एम ले रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसका होता है एम ए स्क्वायर बाई 6। ये पहले कुछ चीजों का याद करना पड़ेगा। तीसरा ज्यादा जरूरी है बच्चों, रिंग, रिंग किसको बोलते हो, जैसे माँ यहां चूड़ियां पहनती हैं वो रिंग है, ये रिंग हो गया बच्चों रिंग, इसको वलय भी कह सकते हैं हम लोग, हिंदी में वलय बोलते हैं, और अब इसका एक्सिस ड्रा करते हैं, ये दिस इज द एक्सिस, एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर है, और कहां से पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास से। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर, और सबसे तगड़ा मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसी का होता है बच्चों, मास और रेडियस सेम हो तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिंग का होता है, एक खोपड़ी में भर लो, मास और रेडियस सेम हो तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिंग का होता है, चलते रहो। नेक्स्ट बच्चों, रिंग के बाद हम लोग डिस्क देखते हैं, डिस्क का मतलब होता है चकती, जैसे तुम लोग रोटी खाते हो, ये देखो अब इसमें से शेप लेने में टाइम जाएगा, ये हमने देखिए ऐसे रोटी खाते हो तुम लोग, वो ही है ये डिस्क, ठीक है। अब इसका जो है एक्सिस यहां पे ले लेते हैं, ये है इसका एक्सिस, ये इसका मास हो गया एम, रेडियस ये हो गया आर, अब मोमेंट ऑफ इनर्सिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। देखो चाहे टीजीटी के हो चाहे पीजीटी के, आपको डेरिवेशन से नहीं मतलब है, रेडीमेड लो पहले, उसके बाद बात करेंगे। देखो अभी चलो, डिस्क और ये सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में वो भी सॉलिड सिलेंडर,
सॉलिड सिलेंडर, ये इनका सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। एक्सिस आपको कहां से जा रही है, आपको दिख रहा है, क्लियर। सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। एक्सिस कहां से पास कर रही है, आपको दिख रहा है। अच्छा, और अब बात करते हैं हालो सिलेंडर का रिंग के इक्वल होता है। इसके पहले बोला था हालो सिलेंडर और रिंग, पक्का करो। अब आगे की बात करते हैं स्फेयर। स्फेयर में भी दो तरह के स्फेयर लेंगे, एक हालो स्फेयर, स्फेयर मींस गोला, एक हालो स्फेयर ले लेंगे और एक ले लेंगे सॉलिड स्फेयर, ठोस गोला, खोखला गोला। और इसका एक्सिस ले लो बच्चा, ये देखो दिस इज द एक्सिस, और दोनों स्फेयर हैं, ये हालो स्फेयर है, ये सॉलिड स्फेयर है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया लोगे तो हालो का हो जाता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और सॉलिड का हो जाता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ये समझ लो पहले, ये तो सब बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया मैंने बता दिया, ठीक है। सभी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप देख लीजिए एकदम धड़ाधड़। अब इतने में से एक भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जितना बोल दिया बस, जो बोलते हैं वही क्वेश्चन बनता है। इतना समझ लो। अब ये बात समझ लो बच्चों, अब इनका कंपेरेबल करना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्सिया सबसे ज्यादा, बोलो सबसे ज्यादा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, सबसे ज्यादा रिंग का। देखो यहां पे एक स्पेशल बात समझ लो मेरे से बच्चा, स्पेशल बात समझो, स्पेशल बात जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। यदि मास माने द्रव्यमान व रेडियस, रेडियस सेम हो या इक्वल हो, इक्वल हो तो, मास और रेडियस इक्वल हो तो क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिंग का सबसे ज्यादा होगा। आई रिंग चलो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर, तुमको समझा देते हैं नहीं तो रटने में झक मारोगे। आई रिंग के बाद होगा, बोलो आई रिंग के बाद किसका होगा, आई हालो स्फीयर, हालो स्फीयर, फिर किसका होगा, आई डिस्क, फिर किसका होगा, आई सॉलिड स्फीयर। ये आपको रेंज आना चाहिए, ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीक्वेंस। आई रिंग एम आर स्क्वायर होता है, हालो स्फीयर क्या होता है बताओ, हालो स्फीयर का भी अभी बताया, हालो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। इसका क्या होता है, डिस्क का 1/2 एम आर स्क्वायर, और इसका क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। ये ऑर्डर है, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, इस तरह का ऑर्डर माइंड मेकअप कर लो। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये जो मैंने बताया है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, वो एक्सिस कहां से जाता है, उनके सेंटर ऑफ मास से, कहां से जाता है बोलो, सेंटर ऑफ मास से, और प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आप समझ लो, नेक्स्ट स्टेप लेंगे बच्चों। यहां पर सबसे खास बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया से रिलेटेड थ्योरम होते हैं, एमआई प्रमेय उसको कहा जाता है, थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मोमेंट ऑफ इनर्सिया के थ्योरम्स, दो थ्योरम्स आपको माइंड में रखने हैं, उसमें पहला सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, उसको बोला जाता है थ्योरम, थ्योरम फॉर
पैरेलल एक्सेस, पैरेलल एक्सेस का थ्योरम, इसको बोलते हैं समांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों का प्रमेय, थ्योरम फॉर पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है, जरा देखो मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, आजकल जमाना हाईटेक है, हाईटेक जमाने में टाइम क्या लेना, फटाफट फटाफट सुन लो, है सूचना, सुन करके ए बी सी डी हम लोगों ने पक्का किया। यू आर जीनियस, रिस्पेक्ट टू मी, बट थोड़ी बात हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। सभी बुद्धिजीवी हैं और सभी लेबोरियस हैं, सभी अपने टारगेट को हिट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंपेयर किया जा रहा है, बट हम लोग बात कर रहे हैं कि सीखने का द बेस्ट स्टाइल क्या है। सुनना द बेस्ट स्टाइल टू लर्निंग, हियरिंग इज द बेस्ट स्टाइल टू लर्निंग। तो मेरे हिसाब से बार बार सुनने से चीजें बहुत जल्दी क्लियर होने लगती हैं। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि किसी भी तरह की बॉडी है, इसका मास यम है और यहां इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां से एक एक्सिस पास कर रहा है बच्चों, और एक एक्सिस कहीं और से पास कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई सी एम है बॉडी का, और इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताना है, और इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो ए है, और पूरी बॉडी का मास यम है, और आई सेंटर ऑफ मास है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया इसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया पूरे बॉडी का है आईसीएम, और किसी ये दूसरे एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना है। दूसरी बात यह है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं। देन आई इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम ए स्क्वायर, दिस इज द थ्योरम। आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्सिया आपको दिख रहा है कोई किसी भी एक्सिस के अबाउट, आई सी एम इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो किसी एक्सिस के से पास कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों, ये थ्योरम क्लियर करें और फिर हम इस पर एप्लीकेशन आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर वन, देखो बच्चों, मेरे प्यारों कंप्यूटर, बहुत सारे टीचर, रेस्पेक्टेड टीचर जो भी हैं, जो वीडियो देखेंगे, देख रहे हैं, सभी को धन्यवाद है, और हम लोग बिल्कुल ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। देखो बच्चों, ये आपका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो पता है, बट हमको इसके अबाउट जब रॉड के एक इंड से जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है। और रॉड का मास है यम और इसका लेंथ है यल, ठीक है, और इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा ये हमें निकालना है। तो वही हम थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं बच्चों। ये देखो दोनों एक्सिस पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम। अब आगे क्या करोगे देखो जरा, आईसीएम क्या है रॉड के लिए, अभी अभी मैंने बताया आईसीएम होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, रॉड के लिए क्या बताया गया एम एल स्क्वायर बाई 12। अब क्या करोगे प्लस एम ए, ए मतलब क्या है बच्चों, ए होता है ना इनके बीच का डिस्टेंस, तो ए मींस यहां हो जाएगा एल का हाफ, क्लियर, एल बाई 2, और इसका करेंगे स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, ठीक। अब क्या करोगे यहां से आई इज इक्वल टू इन दोनों का सम कर देंगे एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, तो इसका सम करोगे तो आपको सम करने पर मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3। ये आप दोनों समझ जाओ बच्चों, यहां पर अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाएगा तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा एम एल स्क्वायर बाई 12, और वही एक्सिस एक साइड से पास करेगा
तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री। तो ये क्वेश्चन हुआ। ऐसे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर टू आप देखिए जरा, जैसे ये एक स्फीयर हमने ले लिया और ये स्फीयर है सॉलिड, ठीक है। अब कोई एक्सिस यहां से पास कर रहा है एक साइड से इस तरह से, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछेगा, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब इसको आपको पता है ना चाहिए कि अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाता है तो इसका आईसीएम हमने लिखवाया है सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। क्या ख्याल है बच्चों, एक्सिस पैरेलल है क्या? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर दो, आईसीएम प्लस, देखो मैं इस मॉड में पढ़ा रहा हूं, टाइम सेविंग मॉड, फालतू का कचरा है ये सब नहीं, बस फटाफट क्वेश्चन और बस 30 मिनट में। जैसे बरसात होती है ना तो सब भीग जाते हैं, ऐसे फिजिक्स की बरसात में भीग जाने दे। आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। अब आई सी एम का मतलब क्या हुआ? 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम ए की वैल्यू क्या रखोगे? ए इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, देन इज आर हियर, सो वी फाइंड 5 × 7/5 एम आर स्क्वायर, दैट इज द योर आंसर। बच्चा आप क्लियर करो कि अगर एक्सिस जो है कहां से पास करती है, एक टेंजेंट में पास करती है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 एम आर स्क्वायर होता है, और वही एक्सिस जो है अगर इसके सेंटर से पास करती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। इस पर एक बेहतरीन सवाल और देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों, यहां से ये तीन स्फेयर्स आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, ये तीनों स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं और एक्सिस यहां से जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। इस पूरे तीन सॉलिड स्फीयर हैं यहां पे दिखाई देना चाहिए और सभी के मास यम है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है आपका और सभी के ये जो डिस्टेंस है वो आर है। अब बात यहां पे क्लियर करो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको ले लिया हमने फर्स्ट स्फीयर, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज थर्ड स्फीयर, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? फर्स्ट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकेंड का और प्लस थर्ड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों का निकालेंगे बच्चों। अब यहां से देखोगे पहले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले के टेंजेंट में एक्सिस है, एक्सिस पहले के टेंजेंट में है, टेंजेंट वाले का मैंने अभी आपको बताया कि एक्सिस अगर स्फीयर के टच करते हुए जाता है तो 2/5 यहां पे लिखना चाहिए 7/5। कहां गया, जल्दी करते हैं बच्चों आपके लिए, ये जरा हटाओ। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, अभी आपने देखा था टच करते हुए जाता है ना, तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मीन्स 7/5 एम आर स्क्वायर, जब टच करते हुए जाएगा तो 7/5 एम आर स्क्वायर। अभी आप जस्ट पीछे देख लीजिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, और प्लस अगर उसके सेंटर से जाएगा, यहां पे देखो जो एक्सिस है उसके सेंटर पॉइंट से पास कर रहा है तो हमें लिखना चाहिए 2/5 एम आर स्क्वायर, देन योर आंसर विल बी 16/5 एम आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैसे निकाल सकते हैं, किसी बॉडी के सेगमेंट का भी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में और देख जाऊंगा। यहां पर सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगते हैं बच्चों। देखो इस तरह का, जैसे यहां पर
एक डिस्क सेक्शन ले लेते हैं ये, और ये एक्सिस है, दिस इज द डिस्क सेक्शन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं ले रहा हूं बच्चों। पूरे डिस्क अगर इसका मास एम है और ये आर है, यहां पे एम आई ऑफ डिस्क सेक्शन, डिस्क सेक्शन का मतलब होता है डिस्क का छोटा सा भाग। तो अगर मास इसका ओवरऑल मास एम है, रेडियस आर है, तो डिस्क का भी वही जो डिस्क के लिए बताया गया था मोमेंट ऑफ इनर्सिया हाफ एम आर स्क्वायर। तो बच्चों आप इस चैनल से जुड़िए, विनय सर से जुड़िए और सारे क्वेश्चन फोकस करिए, सारे क्वेश्चन उड़ा दीजिए फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को स्ट्रांगली। और आपने तरीका भी देखा और जज्बात भी देखा कि विनय सर के साथ क्या जुनून आ जाएगा क्वेश्चन उड़ाने का एकदम। अभी तक अब जैसे भी हैं, हम सब लोग मिलकर के अपने लक्ष्य को पाते हैं। और आप सब्सक्राइब भी करिए और मेरे चैनल पे जुड़िए, यहां पे फिजिक्स पढ़िए एकदम जोरदार। धन्यवाद।